अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। और चिकन कढ़ाई के लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन, चार अदर टमाटर, तीन से चार हरी मिर्चें, आठ टेबलस्पून हमें चाहिए दही, एक टीस्पून चाहिए हमें गरम मसाला, एक टेबलस्पून दड़ा मिर्च, एक टेबलस्पून नमक और एक टीस्पून चाहिए हमें सूखा धनिया और हाफ टी स्पून चाहिए हमें काली मिर्च और साथ चाहिए हमें हाफ टी स्पून हल्दी और एक टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। ये इतनी तेज नहीं होती इसलिए आप सोचेंगे हरी मिर्चें बहुत ज्यादा डालेंगे। और ये है अदरक लहसुन और जीरा कुटा हुआ। अब हम इसमें अदरक लहसुन और जीरे का पेस्ट डाल देंगे। हाफ कप हमने ऑयल लिया, कुकिंग ऑयल आप घी में भी बना सकते हैं, जो आप यूज करते हैं आप उसी में बनाए। ये थोड़ा सा कुक हो चुका है अदरक लहसुन और हाई फ्लेम पे हमने ये चिकन कुक करनी है। जहां लो फ्लेम करना होगा मैं आपको पहले से बता दूंगा। चिकन हमने डाल दी इसमें हाई फ्लेम पे। तो बस हाई फ्लेम पे हमने इसका कलर चेंज करना है चिकन का कुक करके, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। साथ साथ ट्राई करते हैं, थोड़ा सा नमक हम ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा चिकन में नमक का टेस्ट आ जाए। बाकी जो नमक है वो मसाले जब ऐड करेंगे बाकी तो ऐड करेंगे चिकन। अब चिकन अपना कलर चेंज कर लिया, आपको नजर आ रहा होगा पिंक पिंक नहीं है अब चिकन। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दूंगी। जो दही हमने लिया था वो आधा दही हम इसमें भी डालेंगे। इसी दही में हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। इसमें चिकन अच्छी खासी कुक भी हो जाती है और ये होता है कि फ्लेवर भी इसका अच्छा इनहेंस हो जाएगा। अभी दही का पानी खुश्क हो चुका है, आपको वीडियो में शो हो रहा होगा अच्छे से। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें ये हरी मिर्चें देख लो, ये हरी मिर्चें और चार टमाटर डाल लेती हूँ। आप सोच रहे हो मैंने टमाटर पूरे पूरे क्यों डाले, असल में मेरे टमाटर फ्रीज हैं। मैं जब इसको ऐसे डाल के ढक्कन ढक दूंगी तो ये पूरे पूरे टमाटर इसमें मेल्ट हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे और छिलका अलग हो जाएगा, फिर हम छिलका इसका निकाल लेंगे। इस पॉइंट में हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं जिससे ये कुक भी हो जाएगी और ये होगा कि इसके टमाटर भी डिजोल्व हो जाएंगे सारे। टमाटर डिजोल्व हो चुके हैं अच्छे से, मैंने इनको मैश कर दिया और इनका छिलका मैंने हटा लिया। आपको जैसे बताया था कि जब आप ढक्कन ढक देंगे खुद ही छिलका अलग हो जाएगा और टमाटर अलग हो जाएगा। टमाटर का पानी भी सूख गया था साथ ही और उसमें चिकन भी अच्छी खासी गल गई है। अब मैं इस टाइम पे इससे मसाले डाल दूंगी। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च डाली है, हाफ टी स्पून इसमें मैंने डाली है हल्दी, एक टी स्पून डाला है सूखा धनिया, एक टी स्पून डाली काली मिर्च, एक टेबल स्पून से थोड़ी सी कम डाली है दड़ा मिर्च, टी स्पून डाला है गर्म मसाला और फिर साथ इसमें ऐड कर दूंगी मैं इस टाइम पे एक दफा मिक्स करके। सोचे समझे गई, जो बाकी दही रह गया था इस पॉइंट पे मैं वो ऐड कर दूंगी। इसको हम भून लेंगे अच्छा सा दही डाल के, बस थोड़ी सी मेरे ख्याल से 5-1 मिनट लगेंगे। और ये चिकन हमारी ऑलरेडी रेडी है क्योंकि अच्छी खासी गल चुकी है टमाटर का पानी खुश करने में, बस भूने। अभी अच्छे से भून चुकी है, आपको ऑयल नजर आ रहा होगा साइडों पर। इस पॉइंट में इसमें लेमन ऐड कर दूंगी, एक बड़ा लेमन ऐड कर देंगे। और बस लेमन ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा और डिश आउट कर लेंगे। चिकन मैंने डिश आउट कर दी, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें गार्निशिंग के लिए डाल दूंगी मैं और ये हरी मिर्चें बीच में मैंने इसलिए ऐड नहीं की, किसी को पसंद नहीं होती, किसी को पसंद होती है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ।
ट्राई जरूर करिएगा और फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।